दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में रविवार शाम को भीषण आग लगी है। डंपिंग यार्ड से पिछले करीब 12 घंटे से आग की लपटों के साथ ही धुएं का गुब्बार निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार शाम करीब 6 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में 2 दमकल गाड़ियों को भेजा गया, बाद में 8 और गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। इनमें से 4 गाड़ियां डंपिंग यार्ड के ऊपरी हिस्से पर हैं। आग लगने का कारण गर्म और शुष्क मौसम बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गीला कबाड़ दबे रहने से उसमें हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है जिससे आग लगती है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत की खबर नहीं है। इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली एमसीडी में एलओपी सरदार राजा इकबाल सिंह गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे। दिल्ली एमडी में एलओपी सरदार राजा इकबाल सिंह ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली नगर निगम के अंदर निकम्मापन दिखाता है। कल से आग लगी हुई है, धुआं इतना ज्यादा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में, यहाँ पर 25 टॉमल मशीनें काम कर रही थी, आज आधी से ज्यादा मशीनें काम नहीं कर रही। कूड़ा बढ़ गया है, अब उसका कुछ ना कुछ तो रास्ता इनके पास है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की यहाँ पर शरारत है, केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो नेता हैं उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। मुझे इस बात का पूरी शंका भी है और आभास भी।